और आज है प्रोग्राम का टॉपिक कलर थेरेपी। रंगों से इलाज, रंग क्या है, कुदरत के अल्लाह ताला ने जो रंग बनाई है, रंग पे बग़ैर कुछ नज़र नहीं आते। जब रंग नहीं है तो कुछ भी नहीं नज़र आएंगे, आप भी नज़र नहीं आएंगे, मैं भी नज़र नहीं आऊँगा और दुनिया में कोई चीज़ नज़र नहीं आएंगे आपको। तो आज का टॉपिक है रंग और रंग किस तरह काम करते हैं, रंग से कौन से मौलिक बीमारियों का इलाज किया जाता है दुनिया में। तो इसी तरह मैं आज आपको बताऊंगा कि हेडलाइंस में मैं आपको बताऊंगा, रिपोर्ट दिखाऊंगा और रिपोर्ट में भी आपको रंग के बारे में बताएंगे, कलर बेनिफिट्स आपको बताऊँगा, कलर्स के जो बेनिफिट्स है, फिर हेल्दी डाइट है, हाइड्रोथेरेपी है यानी वाटर थेरेपी, अरोमा थेरेपी है और हर्बल टिप्स है, रिसर्च है, स्पिरिचुअल टिप्स है और आगे फिर बीच बीच में और चीज़ें के कलर क्या है, खूबसूरती कैसे अल्लाह ताला ने बनाई है, इंसान को जो खूबसूरती दी है, किस तरह कलर है हमारे वजूद में, कितने हैं अभी तक आपको शायद नहीं पता होता होगा, हम उसी कलर से कैसे फ़ायदा उठाएँ, एक रिपोर्ट देखें प्लीज़। रंगों के इल्म के लिहाज से कायनात रंग से बनी हुई है और कायनात सिर्फ रंग ही हैं। रंग ना हो तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, हर चीज रंग से पहचानी जाती है। इंसान में बदसूरती और खूबसूरती रंग के जरिए मालूम होती है और दोनों लिहाज से इंसान को रंग ही मुतासर करते हैं। इंसानी जिंदगी में रंगों की अहमियत को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। रंग हमारे जज्बात और शख्सियत के आईनादार हैं। रंगों का इंतखाब इंसान के मिजाज और सोच का अक्कास हैं। तस्कीन बख्श रंग हमारी जहनी खिंचाव को दूर करने में मददगार साबित होते हैं, जबकि गैर तस्कीन बख्श रंग फर्द के एहसाब पर दबाव डालते हैं और ये तवानाई के बजाय बेचैनी और उलझाव पैदा करते हैं। हजारों साल पहले भी रंगों से नफसियाती और जिस्मानी बीमारियों का इलाज किया जाता था। मुख्तलिफ रंगों के नफसियाती असरात इंसानी जिंदगी पर मुख्तलिफ होते हैं और ये इंसानी जहन का कमाल है कि वो किस तरह अपने लिए मौजू रंगों का इंतखाब करते हुए अपनी जिंदगी को रंगीन बना सकते हैं। घरों में फर्नीचर का रंग, घरों की दीवारों का रंग, पर्दे और कालीन का रंग, इन तमाम चीजों के रंगों का इंतखाब करने के लिए इंसानी नफसियात से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। चाहे नफसियाती मसाइल हों या जिस्मानी, तमाम मसाइल को हम कलर थेरेपी के जरिए हल कर सकते हैं। गर्म इलाकों में हमेशा हल्के रंगों का इंतखाब करना चाहिए। हल्के रंग हमेशा ठंडक और सुकून का एहसास दिलाते हैं और डिप्रेशन जैसे मर्ज की शिद्दत को बहुत हद तक कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या जहनी आवारज में मुब्तिला लोगों को भी सुकून और राहत हल्के रंगों की वजह से मिलता है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में आमतौर पर सफेद, नीले या सब्ज रंग का शेड इस्तेमाल किया जाता है ताकि मरीजों को जहनी सुकून फराहम किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह ठंडे मौसम में हमेशा गहरे रंगों का इंतखाब किया जाता है। ठंडे मौसम में इंसान को फितरी तौर पर गर्मी का एहसास चाहिए होता है, लिहाजा गहरे रंग गर्मी का एहसास राहिम करने में ममदूद मावन साबित होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में रंग भरना चाहते हैं, माहौल और मूड में मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं तो रंगों के मुतालिक आपको मालूमात होनी चाहिए ताकि आप इन्हीं हल्के और गहरे रंगों मुनासिब तरीके से मौके महल के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। आप महसूस करेंगे कि हर रंग एक खास नफसियाती कैफियत पैदा करता है और आज भी कलर थेरेपी के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कामयाबी से किया जा रहा है। कुदरती साइंस के माहिरीन के मुताबिक अगर किसी भी फर्द को पसंद और नापसंद रंगों के बारे में मालूम हो जाए तो बहुत कामयाबी से फर्द की नफसियाती और जिस्मानी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है और फर्द के मिजाज का तज्जिया किया जा सकता है। ना सिर्फ तज्जिया बल्कि ये भी बताया जा सकता है कि फर्द को किस रंग का इंतखाब करना चाहिए। कलर थेरेपी के मुतालात से फर्द को अंदाजा हो जाएगा कि इसकी शख्सियत और मिजाज के मुताबिक कौन से रंग उसके लिए बेहतर हैं और कौन सा रंग किस तरह उसकी जिंदगी को रंगीन बना सकता है
और खुद एतमादी को बहाल करके अपने लिए कामयाबी की रोशन राहें मुतय्यन कर सकता है। इन रंगों की खुसूसियत को मद्देनजर रखते हुए आप इनका इंतखाब करें, अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाएं। बका के लिए इंसान कई चीजों का मोहताज है, इसमें एक जरूरत बीमारियों से महफूज रहना और शिफा हासिल करना है। बीमारी कैसे बनी, दुनिया में पहले बीमार कौन था, दवा का ख्याल किसके जहन में आया, पहली दवा किसने ईजाद की, इस सिलसिले में हुक्मा ने मुख्तलिफ बातें कही हैं। ताहम बाज कदीम हुक्मा की राय में यकसानियत पाई जाती है। इलाज इंसान की ऐसी जरूरत है जो मौत और हयात के माबैन गर्दिश करता है। बीमारी की वजूहात और इलाज के तरीके मुख्तलिफ हैं। हर तरीका इलाज एक फलसफा है जिसके मुताबिक इलाज तजवीज किया जाता है। जिंदगी आफाकी कुव्वत का एक मजहर है और आफाकी कुव्वतें जिंदगी की जामिन है। बेशुमार बीमार और माजूर अफराद मुख्तलिफ किस्म की इमारतों में जाने से सेहत याब हो जाते हैं। उसकी वजह यह थी कि उन इमारतों की खिड़कियों में सुर्ख अरगवानी सब्ज और जर्द रंग के शीशे होते हैं। सूरज की रोशनी से जब इन शीशों से गुजर कर मरीजों पर पड़ती थी तो वो तंदुरुस्त हो जाते थे। रंग अजसाम के अंदर जनरेटर का काम कर रहे हैं। सूरज कायनाती कुव्वतों का ना खत्म होने वाला ऐसा जो जमीनों पर बसने वाली मखलूक को एनर्जी फराहम करता है। अगर सिस्टम में खराबी वाकई हो जाए और कुर्रा अर्ज सूरज की रोशनी से महरूम हो जाए तो दरख्त फूल फुलवारी सब्जा और दूसरे तमाम जानदार खत्म हो जाएंगे। हमारी गिजा में बराह रास्त सूरज की रोशनी का अमल दखल है। हमारी गिजाएं और हर चीज रंगीन है। रोशनी के इस्तेमाल से अदम वाकफियत की बिना पर अक्सर लोग बेशुमार जिस्मानी और एसाबी अमराज का शिकार होते हैं। इन अमराज में जहनी बीमारियां, जज्बाती बीमारियां, बेराह रवी से कैंसर, एड्स, बेख्वाबी, ब्लड प्रेशर जैसे अमराज का सबब है। सूरज की रोशनी में रंग और मादनी अनासर और गैस मिनरल शामिल है जो इंसानी गजा का अहम जुज्व है। गजा हमें कुव्वत और तवनाई फराहम करती है। रोशनी और रंग और गजा सबका इस्तेमाल किया जाए तो तवनाई दुगनी हो जाती है। सूरज की शुआओं में सब रंग मौजूद होते हैं और इन रंगों से हमारी सारी गजाई जरूरियात पूरी होती हैं। सूरज की रोशनी को अपनी हयातियाती सिस्टम में अगर जखीरा कर लिया जाए तो गजा की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। सूरज विटामिन डी के हसूल का एक अहम जरिया है। सूरज की रोशनी में विटामिन डी के अलावा दूसरे विटामिन भी शामिल हैं और हर विटामिन किसी रंग से मुताल्लिक है। इस बारे में गौर व फिक्र करें तो किसी भी तरह रंग की इफादियत और नुकसान से इनकार मुमकिन नहीं है, इसलिए हर मुआलिज और साइंसदान रंगों का मुरक्कब है। न्यूटन ने कशिश शक्ल का उसूल और रंग का नजरिया पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक सफेद रोशनी या सूरज की शुआएं जब मंशूर से गुजरती हैं तो जिन लहरों को मजमुओं से वो तश्कील पाती हैं वो अपनी अलग अलग तमूज के लिहाज से मुनकसम हो जाती हैं और हम इस तकसीम को सात रंग की सूरत में देख सकते हैं। बाकी सब रंग इन्हीं रंग के शेड्स हैं। रोशनी की तकसीम से पैदा शुदा इस धनक नुमा रंग बरंग पट्टी को लतीफ कहते हैं। हमारी आंखें जर्द और सब्ज रंग के लिए निहायत हसास होती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि सूरज की शुआएं भी जर्द और सब्ज रंग के तूलो मूज पर ज्यादा शिद्दत से पड़ती हैं। जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान रोशनी से मुतासिर होते हैं। रोशनी रंगों पर कायम है। हर मादे से एक खास किस्म की लहरें खारिज होती हैं। जब किसी धात को धूप में रखते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। किसी धात पर जल्द असर होता है तो कुछ धातें देर से असर कबूल करती हैं। रोशनी के जेर असर कीमियाई तब्दीलियां पैदा होती हैं। अगर रोशनी की माहियत में तब्दीली हो जाए तो कैफियत में भी तब्दीली हो जाती है। इंसानी तारीख में दरियाफ्त होने वाले इलाजों में रंगों के इलाज से शिफायाबी का तनासुब ज्यादा है। इस इलाज से मरीज के ऊपर बार भी कम पड़ता है। आपने रिपोर्ट देखे और रिपोर्ट के बाद हम आपको बता रहे कलर थेरेपी रंगों के असरात मखसूस गदूद पर मखसूस रंग असरात अंदाज होते हैं। इसकी तफसील के आपको बताएंगे कि किस तरह के गदूद जो है आपके है रंग और कल्ब का रंग जो है सुर्ख होता है, आपको खुद पता है। जिगर का रंग जर्द होता है। थायराइड ग्लैंड का रंग
जो है नीला होता है, नियाल होता है, फेफड़ियों का रंग नारंगी, आँख का रंग आपको ख़ुद पता है मुख्तलिफ रंग के होती है और मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने उनको आपको मुख्तलिफ रंगों का एक खूबसूरत से वो बिल्डिंग बनाई हुई है आपका। और आँख का रंग आसमानी और आसमानी भी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के रंगों के आँख, आँख के जो अंदर के कुछ चीज़ें हैं उसमें मुख्तलिफ रंग, सफ़ेदी होती है, फिर उसके ऊपर जो आपका है ये सारे लबलबे का रंग बनफशी, दिमाग का रंग जो है वो भी बनफशी होते हैं, दिमाग के ज़ेरीन हिस्से का रंग बनफशी होते हैं। रंगों के फ़ायदे आपको पता है कि रंग जो है अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती पैदा की है रंगों में, और ख़ूबसूरती इस वजह से कि ये असर करता है हमारे साइकोलॉजी पे, हमारे साइकी पे, हमारे रूह पे और हमारे बॉडी पे इंतहाई अहम असर करते हैं। कलर थेरेपी से आजकल दुनिया में जिस तरह रिपोर्ट में बताया गया कि कलर्स के जो खूबियाँ हैं दुनिया में इस पे काम हो रहे हैं और बेहतरीन काम हो रहे हैं, इसे इलाज किया जा रहे हैं और अपनी शख्सियत में इंसान तब्दीली ला रहे हैं। आपको पता है कौन सा रंग आप पर अच्छा लगेगा और किस कलर को पहनना चाहिए, ज़्यादा कौन सा कलर पहनना चाहिए, किस कलर को यूज़ करना चाहिए, खाने पीने में कौन सा कलर को यूज़ करना चाहिए, बेडशीट वगैरह आपके रंग जो आपके इर्द गिर्द के हैं वो क्या होना चाहिए, कलर थेरेपी में ये सारे कुछ सिखाएंगे बताएंगे। और ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे आपको बताएंगे कि इंसान के खूबसूरती और उनके रंग कैसे खूबसूरत है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल। नाज़रीन आज चलते हैं नीला रंग पे। नीला रंग इंसान में भी बहुत मौजूद है, इंसान के वजूद में आपको पता है कि रगें हमारे नीले होते हैं और बहुत सी चीज़ें नीला रंग आपके वजूद में मौजूद है। इस तरह मरी लिहाज से कायनात में सबसे ज़्यादा नीला रंग मौजूद है। ब्लू रंग अल्लाह ताला के एक बहुत बड़ी खूबसूरत नेमत है और बहुत खूबसूरत है। ब्लू रंग से इंसान को ज़हनी तस्कीन मिलते हैं और नफसियाती तौर पे इंसान जैसे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से निजात मिलते हैं। और ये तसलीबख्श रंग होते हैं, आँखों को ठंडक मिलते हैं और ठंडा रंग है ये रेड कलर के रंग को कम कर देते हैं और इसी तरह ज़हनी उलझनों और खिंचाव को दूर करते हैं, खुसूसन गुस्से को कम करते हैं। नीला रंग पहना करो। नीला रंग रूहानी फैज़ान की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरे रंगों की नस्बत ये ख़ास अहमियत के हामिल है और बिलखसूस आईटी की दुनिया में। मिसाल के तौर पर जिस तरह के आपके मोबाइल में ज़्यादातर स्क्रीन्स वगैरह जो है नीले रंग की होती है और नीला रंग बहुत पसंद करता है। रूहानियत का रंग है गहरा नीला रंग, सब जो है ना बुजुर्गी, दयानतदारी और पाकिजगी के अलामत समझा जाता है। और यरकान में शफा बख्श है, बेख्वाबी से निजात मिलते हैं और इसी तरह ठंडक, सुकून और तमानियत का एहसास होते हैं। कल्बी सुकून इससे मिलते हैं, ज़हनी सुकून मिलते हैं, खुशी मिलते हैं इससे। तेज़ बुखार उतारने, असाबी तनाव कम करने, नब्ज़ बढ़ते हुए रफ्तार को एतदाल पर लाने और दिमाग को सुकून पहुंचाने में भी ये बहुत मुफीद है, बहुत खूबसूरत है। नीला रंग असाब को पुरसकून और ज़हनी जिसमानी बीमारियों से इंसान को निजात दिलाते हैं। ये मेरा आजमूदा नुस्खा है जो कि मैं लोगों पे आजमाता रहता हूँ नाज़रीन, और ये बेहतरीन सुकून का बायस बनते हैं और मेरा पसंदीदा रंग में भी है। ख़ास तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत मुफीद साबित होता है। नीले रंग को पसंद करने वाले अफराद बहुत हसास होते हैं
और हसास यानी और को तख्लीकी सोच के भी होते हैं, हर मामले में हायजानिक कैफियत होते हैं इनके। इस रंग को पसंद करने वाले पुरसकून और नरम मजाज होते हैं, नरम दिल और नरम मजाज होते हैं ये लोग। अताचार और फर्शनास होते हैं इस तरह के लोग, नहायत मुखलिस समाजी और रफाही कामों में शामिल होते हैं और उसमें शिरकत करते हैं, दिल से बहुत अच्छे होते हैं। और ये नीले रंग पसंद करने वाले लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और बिलखसूस मासूम लोगों से ये लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये हसास होते हैं। ऐसे लोग उनको पसंद नहीं होते हैं जो जो बुरे लोग होते हैं। ये रंग अकल व दानिश और ज़हनी अर्तका को इंतहाई निशानदेही करते हैं इसका। नाज़रीन चलते हैं सब्ज़ रंग, सब्ज़ रंग तो आपको पता है, और उनमें वो अल्लाह ताला ने उनकी खूबसूरती जो है पैदा की। ये रंग हयाती रंग है और ये कुदरत का रंग है, आपको पता है। इससे भी ठंडक मिलते हैं, आँखों को ठंडक मिलते हैं और इंसान के दिल को ठंडक मिलते हैं, खूब खुशी मिलते हैं। ठंडा रंग है, ये कुदरत का रंग है, ठंडा रंग है। वो कुदरत हम जिसे समझते हैं कुदरती चीज़ें, वो हम समझते हैं कि सब्ज चीज़ें हैं। ग्रीन रंग बहुत सी चीज़ों में और भी हैं, सिर्फ वो नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों में ये मौजूद है। ये फितरत का रंग है और इसे हौसला, उम्मीद, इर्तिका, नएपन और ज़िंदगी के मुसलसल जदोजहद अलामत समझा जाता है। ये इसार, भरोसा, ताउन, दोस्ती और हमदर्दी का रंग है और ये बीमारियों का इलाज का रंग है। ऐसा कुदरती, ऐसा बीमारियां जो लाइलाज करा देते हैं, कुछ ऐसा जहनी बीमारियां इसके थ्रू इलाज किया जाता है। ये रंग आमतौर पर बच्चों के कमरे में सजाने की कोशिश की होती है, कि बच्चों को भी ये बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि ये रंग इंसानी जज्बात व हैजानात में तवाज़ुन का बायस बनते हैं, बच्चों के नए बातें सीखने की तरफ मायल करते हैं। इसका तस्किन बख्श एहसास ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। नीला रंग भी ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है, निज़ाम इंतज़ाम को दुरुस्त रखता है। आँखों के अमराज, बहुत से अमराज है जो आँखों के, इससे इलाज होता है। ज़हनी मरीजों के लिए भी ये बहुत पुरसकून है, इवन बहुत से नफसियाती माहरीन और ये रिकमेंड करते हैं कि आप जाएं और आप ये आउट निकले। अल्सर के मरीजों के लिए भी ये मुफीद है, ये अंदर के ज़ख्मों को भी बेहतर कर देते हैं, इवन दिमागी ज़ख्मों को भी बेहतर कर देते हैं। नाज़रीन, सब्ज़ रंग को आपको ख़ुद बहुत फ़ायदे पता है और सुबह सुबह जब आप निकलते हैं, सुबह सुबह जल्दी से जल्दी आप निकल जाते हैं, फ्रेश हवा जब होते हैं और शबनम जब होते हैं, उस वक्त जब आप निकलते हैं और आप घास पे चलते हैं, तो नीला रंग आपको आवाज़ देते हैं खुशी की, ताकत की। बेशतर सब्जियां सब्ज़ रंग की होती है, आपको पता है कि सब्ज़ रंग और फल होती है, सब्जियां होती है, कहा जाए तो सब्ज़ रंग के असरात मुरतब होते हैं। सब्ज़ रंग के जो फ़ायदे आपको बताया है, अगर आप सब्ज़ी को खा जाएंगे तो सब्ज़ रंग के असरात आपको होते हैं। अगर असाबी तनाव और हयाजानी कैफियत में मुतला रहें वाले लोग सब्ज़ रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको अल्लाह ताला बहुत सी मुसीबतों और बीमारियों से निजात देते हैं। ये ख़ुद को हर वक्त सब्ज़ रंग में लपेटने के लिए अगर आप कहते हैं तो सब्ज़ियाँ खाएं, ये कुदरती है, और आप सब्ज़ रंग पहने। मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है जो खाने वाला रंग है उसको खाएं, क्योंकि उसके अपने अपने नुकसान होते हैं, क्योंकि इसकी मौजूदगी में हमेशा ताज़गी एहसास का होता है। इस रंग को पसंद करने वाले मोहब्बत से लबरेज होते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आपको बताते हैं सुर्ख रंग। सुर्ख रंग ये ताकत का रंग है, ये जदोजहद का रंग है, ये तख्लीकी सोचों को एकदम उबारते हैं, बच्चों के जो सजावट और रूम का होते हैं उनको और बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं। वजह ये है कि ये इंसान के सोच को तख्लीकी बनाने में मदद करता है। इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा सब्ज़ रंग मौजूद है, आपने खुद देखा है। साइकोलॉजी के लिहाज से इंसान का जंगलों से निकलना बेमहरक क्या था,
सब्ज रंग, आपको पता है कि जंगली लोगों को सब्ज रंग बहुत पसंद है। सुर्ख रंग ही इंसानी इर्तिका का बायस बनते हैं और ये वो माशरा पसमानदगी का शिकार होते हैं अगर वहाँ पहना जाते हैं तो। बहुत सी सब्ज रंग जो है इंसान को, इंसानी सलाहितों को बढ़ा सकते हैं। सुर्ख रंग फर्द के जज्बों में तवानाई फराम करते हैं, पैदा करते हैं और ज़िंदगी को पुरसकून, पर जोश खरोश से इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं। फ़र्द में मसरूफियत का अंसुर जगाते हैं और ये मुसलसल जहदोजहद में इंसान को ले जाता है। इस रंग में तामीरी सलाहियत होते हैं और थोड़ा सा ये मादिज़्म की तरफ इंसान को ले जाता है। अगर कोई चीज़ तख्लीकी करना चाहता है तो सुर्ख रंग को पहना करो। सुर्ख रंग सुस्ती को ख़त्म कर देता है, खून की कमी को पूरा कर देता है और सुर्ख रंग इसके अलावा असाबी कमज़ोरी, क़ुव्वत इरादे में बहुत पढ़ाते हैं और एहसास कमतरी को दूर कर देते हैं। खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, वहम वसवसी को दूर भगाते हैं। ये रंग मिर्गी हिस्ट्रिया, इख्तिलाफ कल्ब और प्यास, आंखों के अमराज, जहरीली डंक और ख़ारिश, नज़ला, ज़ुकाम और कांसी के अलावा बहुत सी चीज़ों के लिए मुफीद समझा जाता है। सुर्ख रंग पसंद करने वाले लोग ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, मज़बूत इरादे के होते, ताकतवर इरादे वाले होते हैं। बाहिमत, पुरजोश, जिंदा दिल और जज्बाती होते हैं। इस रंग को पसंद करने वालों के अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा भी होते हैं। और यहाँ पर एक कॉल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से रोशन सयाद बात कर रही हूँ। रोशन सयाद साहिबा, कैसे आप? अच्छी हैं जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, जब से मैंने ये 8 लेवल्स ज्वाइन करके आई हूँ और कंप्लीट किए हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी जिंदगी टोटल चेंज हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। क्या खूबसूरत दुनिया है, रंगीन दुनिया है और कितनी खूबसूरत दुनिया है रोशन साहिबा। हमारी हाँ, हमारे वजूद में और हमारे वजूद में जो अल्लाह ताला ने दिए है ताकत, पावर, जिससे ज़िंदगी बदल जाते हैं 100%, तो आपकी ज़िंदगी बदल गई है? जी, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। आई कांट इमेजिन, लगता है सुकून, पलबे सुकून और खुशी जो आज की दुनिया में नापैद है, वो सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे बस दिया है ये 8 लेवल करने के बाद। और ये इसका पूरा क्रेडिट 100% आपको जाता है। बहुत शुक्रिया, ये आपकी दुआओं की वजह से, सबकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया जिसका मैं समझता हूँ कि नहीं, आप इसके हकदार हैं। आपको इससे ऊंचा मुकाम अल्लाह ताला दे, जिस मुकाम पे इस वक्त आप हैं अल्लाह ताला आपको इससे भी ऊंचा मुकाम दे। बहुत शुक्रिया। हाँ, इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे और लोगों का हेल्प करते रहेंगे और लोगों को रहनुमाई करते रहेंगे अच्छाई की तरफ, मुस्बत जिंदगी की तरफ, खुशियों की तरफ, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने याद किए रोशन साहब। और कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहती थी कि बीमारियों के हवाले से मेरे जो भी प्रॉब्लम थे उनमें बहुत बेहतरी आ गई है या बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैं ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ ताकि मेरे और जो भाई हैं, बहनें हैं, वो सब ये प्रोग्राम देखें और इस तरफ अट्रैक्ट हो, इस तरफ आए कि ये भी एक दुनिया है, इससे हम लोग गाफिल थे अभी तक। सही बात करें, बिल्कुल सही, बिल्कुल गाफिल थे हम। और इंशाल्लाह आप दुनिया आ रहे इस साइड पे और अल्लाह ताला हमें और उनको खुशियाँ दे रहे हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। कोई शक नहीं है कि समदा हीलिंग सिस्टम और HMF एंड PMBL अल्लाह ताला के दुनिया के बेहतरीन सक्सेसफुल हीलिंग सिस्टम्स है और फार्मूलाज है फॉर सक्सेस। बहुत शुक्रिया रोशन साहब, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं रंग, और उस वक्त तक आप हमें कॉल भी करें
ضرور ہمیں کال کریں، ہاں سمدہ ہیلنگ کے اور ایچ ایم ایف کے اس کی جو ہے نا رجسٹریشن کروائیں اور آئیں اپنے زندگی کو بدل لیں۔ بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ڈاکٹر اب سمد۔ ناظرین، سرخ رنگ کی بات ہو رہی تھے، ریڈ کلر کی بات ہو رہی تھے، اور ریڈ کلر جو ہے یہ رنگ تمام جنسی بیماریوں کو دور کرتا ہے، سیکشول ڈیزیزز کو بھی دور کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور دوسری بات کہ یہ رنگ طریقے سے استعمال کیا جائے، آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ رنگ میں آپ کو بہت سی چیزیں ملتے ہیں، پھل ملتے ہیں ریڈ رنگ میں، جو بھی ریڈ رنگ میں کوئی چیز ملتی ہیں آپ اس کو کھائیں، چھوڑو مت، کھاتے رہیں پھل اور سبزیوں۔ سبز رنگ کا بھی خوبیاں بتائیں، کیا خوبصورت دنیا ہے، اور آپ یہ چیزیں کھائیں گے، ایون سردوں میں بھی کھائیں گے تو بھی آپ کو اتنے بینیفٹس ملتے ہیں، اتنا خوبیاں ملتے ہیں، اچھائیاں ملتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں ریڈ رنگ کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ ریڈ رنگ اگر آپ مثال کے طور پہ اسکرین میں دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے لیے ریڈ رنگ اچھا نہیں ہے، بہت زیادہ تیز رنگ ریڈ، جس طرح کی بلبوں کا ہوتا ہے، یا رات کو جو لوگ جلا کر رات کو بے چینی لے آتے ہیں، بے سکونی لے آتے ہیں، روم میں بالکل بھی ریڈ رنگ کا، ہاں اگر آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ ریڈ رنگ کا لگا سکتے ہیں اوپر، آنکھوں کو نہ لگے، ٹھیک ہے، بلب بلب شلب جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر ریڈ رنگ جو ہے آپ آنکھوں کو اچھا لگے گا، اور آج فیس بک پہ بھی آپ کی بڑی تعریف میرے جو دوسرے پروگرام سے اس کے آئے ہیں، اور یہ ریڈ رنگ کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی مجھے میسج ملے کہ کلرز کے بارے میں، اور یہ کلرز جو ہے دنیا کا، اور سب تقریباً اس کا میں تقریباً بہت عرصہ بعد پروگرام کر رہا ہوں کلرز پہ، اور اس کے کیونکہ آپ کے سوالات کی وجہ سے میں نے یہ کیے ہیں، اور جو بھی کوئی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے مجھے فیس بک پہ کیا ہوا ہے، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں آج آپ کو اس خوبصورتی اس کلرز کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو آپ کے ارد گرد ہے، جو آپ خود اپنے طور پہ استعمال کر کے اپنی زندگی میں چینج لاؤ، تبدیلی لاؤ، بدل لو زندگی، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بدل لو زندگی اپنی اور دوسروں کی، بدل لو زندگی، اور پرجوش رہیں، پرسکون رہیں، طاقتور رہیں، پاورفل رہیں، اسٹرانگ رہیں، اور تخلیقی سوچے ابھار لیں، نہ تنہا کہ اپنے فیملی والوں کے بھی، باقی بھی، یہ نہیں کہ ساری کل ریڈ رنگ پہنے ہوئے باہر نکلیں، باقی رنگوں میں بھی خوبیاں ہیں۔ آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ پیلا رنگ کتنا خوبصورت ہے، پیلا رنگ بھی ریڈ رنگ کی طرح محبت کا کلر ہے، خوبصورتی کا کلر ہے، بچے بہت پسند کرتے ہیں، جس طرح ریڈ کلر کو پسند کرتے ہیں پیلا رنگ بھی بچے بہت پسند کرتے ہیں، اور اسی سے بچوں کے جو ہیئر رومز وغیرہ ان کو سجاتے ہیں، اور سکولز کی سجاتے ہیں، یہ سبز رنگ، ریڈ رنگ، یلو رنگ بچوں کو بہت پسند ہے۔ اب آگے بتاتا ہوں کہ یہ اس کی کیا بینیفٹس ہیں، مگر مجھے ایک کال ضرور لینا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے طیبہ عارف بات کر رہی ہوں۔ جی طیبہ صاحبہ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے لیے تو بہت کچھ کہنے کے لیے ہیں، لیکن میں محدود سے ٹائم میں بہت اچھے اچھے ایکسپیرینس شیئر کروں گی جو مجھے سمدا کے بعد حاصل ہوئے۔ بہت شکریہ آپ کا، کیا حاصل ہوئی ہے؟ جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اصل میں سمدا سیکھنے کے لیے ہی جوائن کیا تھا، اور جس وقت میں فرسٹ سیشن کر رہی تھی، دیکھنے کے لیے، یہ سمجھو کہ دیکھنے کے لیے آئی تھی۔
एग्जैक्टली बिल्कुल, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कोई मेरे जहन में ऐसी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं थी। सही सही। और कभी मैंने सुना भी नहीं था ऐसी चीज का, ये फर्स्ट टाइम था। सही। और जिस वक्त मैं सेशन कर रही थी इनफैक्ट पहली दफा ही, तो उस वक्त मुझे मिग्रेन की तकलीफ भी थी और सांस की तकलीफ भी थी। और सेशन जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद दोनों तकलीफें कहाँ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि कैसे गायब हो गई, और अभी तक माशाल्लाह दोनों में से एक भी चीज वापस नहीं आई। अच्छा, मिग्रेन था और क्या था? सांस की तकलीफ थी। सांस की तकलीफ, वही अस्थमा था जी। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, इतने क्रोनिक प्रॉब्लम समदा से कैसे ठीक होते हैं तैयबा साहिबा? नाज़रीन सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। असल में उसके बाद ही मैंने 13 तकरीबन लोगों का मैं इलाज कर चुकी हूँ अभी तक, जिनमें मामूली बीमारियाँ जैसे दर्द, सर का दर्द, मिग्रेन, और इससे ज्यादा बीमारियां जैसे घुटनों के जो जोड़ हो जाते हैं उनका दर्द, पथरी, इस पे भी मैं आजकल वर्क कर रही हूँ। और जितने लोगों को मैंने अभी तक हील किया माशाल्लाह माशाल्लाह, उन सब से मुझे 100% रिजल्ट मिला है। बहुत अच्छा, अल्लाह आपको और खुशियां दे और ताकत अता फरमाए। राइट। और मैं आपके बारे में ये कहना चाहूंगी कि मुझे पूरे यकीन के साथ बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जैसे लोग वाकई इस दुनिया में चराग ढूंढने से भी नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया है, आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये सारा कुछ दिया जिसका शायद मैं हकदार भी नहीं था, मगर अल्लाह ने ये मकाम दिया। जो चीज आपने हमें दी है मेरे ख्याल से हम वाकई इस काबिल नहीं थे, और क्या क्या चीजें, क्या क्या खूबियाँ हमारे अंदर आ गई हैं, जितनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ गई है आज समदा करने के बाद, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये बिल्कुल वाकई इम्पॉसिबल चीज थी जो अभी बिल्कुल एक पॉसिबल चीज बन गई है हमारे लिए। अल्लाह का करम है, और आप लोगों की जिंदगियां जब चेंज होती हैं तो मुझे सुकून, खुशी, ताकत, पावर मिलते हैं, और बहुत खुश होता हूं मैं। यकीन माने, जब भी मैं होप्स देता हूं, जब भी मैं सेमिनार से आता हूं, मैं हीलिंग सेशन से आता हूं, तो वो रात मुझे इतना सुकून मिलता है। इधर हाल कि मैं 10 घंटे आप लोगों के सामने खड़े होकर, आप लोग तो खा पी रहे होते हैं, बैठे होते हैं आराम से, है ना, और मैं खड़ा होता हूँ, आपने देखा ना कि मैं बैठता भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने, और मैं आप लोगों को 10 घंटे मैं आप लोगों के सामने कर, मगर मुझे कभी भी थकावट महसूस नहीं हुआ। आपने देखा कि एंड तक कोई थकावट महसूस नहीं होते, है ना। और समझा करने से मेरा भी ताल्लुक असल में वर्किंग वुमन हूं मैं। अच्छा, तो उससे पहले मुझे वाकई बहुत थकन होती थी, रात की नींद का पूरा करना जरूरी होता था, दोपहर में आराम करना होता था। उसके बाद से आज तक अभी तक मुझे कोई भी टेंशन नहीं हुई, बहुत फ्रेशली अपनी। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम आ गया कुछ उसमें, आई थिंक फोन में कोई आवाज़ें आ रही। तो बहुत शुक्रिया आपने तैयबा साहिबा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे और खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए। थैंक यू, आपने याद किया, अल्लाह आपको और इलम अता फरमाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तैयबा साहिबा ने बात किए थे, और हम आगे बढ़ते हैं कि येलो रंग ये हुसूल इलम की तरफ को इंसान को रागब करते हैं, और बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। जिस तरह सुर्ख रंग, ग्रीन रंग, येलो रंग भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और जर्द रंग बच्चों और बड़ों के में फिक्री सलाहियत को परवान चढ़ाते हैं, और इसी तरह परेशानियों, असाबी उलझनों और खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ से निजात देते हैं। इसके अलावा जहनी और जिस्मानी सलाहियतें में उजागर करते हैं और बढ़ाते हैं, माइंड पावर को बढ़ाते हैं, और आपकी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाते हैं, आसाब को नॉर्मल करते हैं, और इसी तरह जो इस रंग के मैदे के अमराज जो है उसमें बेहतरी ले आते हैं। अच्छा, मैदे के जितने भी अमराज हैं इससे निजात मिलता है। येलो रंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह केले का रंग येलो है, आप खाते हैं, कुछ येलो सेब होते हैं, कुछ येलो, जितना भी येलो की दुनिया है, आप फलों में हैं, सब्जियों में हैं, जब आपको मैदे की कोई प्रॉब्लम है तो वो येलो दुनिया खाते जाएं, और उससे जो है ना आपको बहुत फ़ायदा होता है। मैदे के गैस, ट्रबल और इस चीज़ों को, हाजमा की ख़राबी को बेहतर करता है। जिगर के अमराज, दिल के अमराज, ज़्यादतीस, खूनी बवासिर, हजा और कब्ज़ से निजात देते हैं, और इसी तरह ये रंग जिस्म पर
پیدا ہونے والے داغ دبو سے بھی نجات دیتے ہیں اور ضرور کھائیں۔ پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے باعث ہوتے ہیں، اور اگر یلو رنگ کے آپ پھل کھاتے ہیں تو بہت مفید ہیں۔ زر رنگ ذہنی الجھنوں کے وقت استعمال کریں اور تو آپ تر و تازہ محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ پہننا بھی چاہتے ہیں تو پہن سکتے ہیں۔ ویسے ہی یلو کلر اتنا اچھا لگتا ہے، آپ کو پتا ہے بچوں پہ بھی اتنا اچھا لگتا ہے، اورنج کلر بھی اچھا لگتا ہے، یلو کلر بھی اچھا لگتے ہیں، اور یلو کلر کے جو بینیفٹس ہیں، جو فائدے ہیں، یہ پسند کرنے والے لوگ افراد کھلے ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور خوش مزاج اور بہت ہی پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر سائنس کی طرف مائل ہوتے ہیں، کئی ایجادات ان کے نام سے منسوب ہوتے ہیں، جس طرح میرے نام سے۔ کیا کرے اپنے لیے، ذرا سا وہ بھی ضروری ہے، اپنے تسلی خود دیں۔ چلو کالرز تو دیتے ہیں، بہت شکریہ ان کا۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور میں بریک پہ جاتا ہوں۔ آپ ضرور کال کریں ہمیں، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور سمدا ہیلنگ کے بھی جو ابھی اور ایچ ایم ایف کی ہیں، جس طرح کالرز نے بتایا بینیفٹ سے، ان کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ، آپ ہمیں کال کریں، اپنا رجسٹریشن کا ضرور کروائیں۔ ایک بریک کے بعد آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ زرد رنگ پسند کرنے والے لوگ متحرک ہوتے ہیں، زیادہ تر سائنس کی طرف ان کے مائل ہوتے ہیں، تو پھر اگر اسی طرح ہیں تو سفید رنگ کا کیا فائدہ ہے، اور پھر نارنجی رنگ کا کیا فائدہ ہے، اور آگے رنگوں کے کیا فائدے ہیں۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبد الصمد۔ ناظرین، فیس نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبد الصمد پہ جو آپ کے جو سوالات تھے، ایک بڑی سفید رنگ کے بارے میں کہ آپ نے تعریف کی ہے بہت سے رنگوں کے، مگر سفید رنگ کی طرف میں جاؤں گا، مگر سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر یلو رنگ کے لوگ کھلی ذہن کے ہوتے ہیں اور یہ سائنس کی طرف زیادہ ایجادات کی طرف راغب ہوتے ہیں اور یہ رجائیت پسند ہوتے ہیں، اور اس میں ایک متحرک سلوک ہوتے ہیں، ہمیشہ تلاش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، جس طرح ریڈ رنگ میں ہیں جدوجہد کا، تلاش کا، اور تو پھر سفید رنگ کا کیا فائدہ ہے؟ سفید رنگ بہت خوبصورت رنگ ہے، مگر یہ لو رنگ کے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے، تھوڑا سا اور بتاتا ہوں۔ یہ لو رنگ اور گرین، ریڈ اور بلو رنگ، یہ سب رنگ مجھے پسند ہے، مگر سب سے زیادہ بلو رنگ مجھے پسند ہے۔ پھر باقی رنگ، سبز رنگ تو مجھے صرف یہ پسند ہے کہ گھاس، درخت، جنگل بہت اچھا پسند ہے مجھے، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں اور میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اس حوالے سے، سکون آتے ہیں۔ میں سفید رنگ کا آپ کو ضرور بتاؤں گا، نارنجی رنگ کا بھی بتاؤں گا، اور دوسرا گلابی رنگ کا بھی بتاؤں گا، بھورا رنگ کا بتاؤں گا، یہ تمام چیزیں۔ مگر ناظرین چونکہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف چند منٹ ہے، میں آپ کو چونکہ چند منٹ میں تو یہ سارے رنگ میں نہیں بتاؤں گا، میں کل کوشش کروں گا، کل کا پروگرام یا نہیں تو اگلا پروگرام میں اس پہ باقی رنگوں پہ کرتا رہوں گا، آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارے وجود میں جو رنگ، جو انرجی سینٹرز ہے، روحانی جو طاقتیں، روح کے جو لے رہے ہیں جو کلرز ہے، ذہن کے جو ہے،
वो कलर्स क्या हैं अगले प्रोग्राम में, वो बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें कि अपने रंग क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया कि ये रंग इस तरह की, इसका हाथों का बाकी जो वजूद के जो रंग होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, मगर हमारे जो अपने वजूद का जो रंग है उसको कैसे उभारा जाए और उसे कैसे बीमारियों मसाइल का इलाज किया जाए और उनको जो शख्सियत में कैसे तब्दीली लाई जाए एक बेहतरीन शख्सियत, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो अशरफुल मखलूकात बनाए हैं वो इस पे नहीं बनाए हैं कि दूसरे हैवानात की तरह और बस हम वही गोश्त पोश खून और हड्डियाँ वगैरह हैं। हम अशरफुल मखलूकात उस बेस पे हैं। आप देखिए साइंस के हवाले से भी आपने दुनिया को चेंज कर दिए, बदल दिए, पूरा दुनिया बदलते जा रहा है। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, आपके यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स थे और वो हार्डवेयर में लाए हैं आपने सारा कुछ, और ये हार्डवेयर किस ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ सफ़ेद रंग का, और सफ़ेद रंग को तो मैं बाद में अगले प्रोग्राम बताऊँगा, मगर स्पिरिचुअल पार्ट्स में आपको बताऊँगा कि आंखें बंद करके रंग बरंगे तस्वर करें कि आपके वजूद में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये सफ़ेद होते जा रहे हैं और सफ़ेद और सफ़ेदे आपके वजूद में आ रहे हैं और आपका रंग भी सफ़ेद है, खूबसूरत है, और फिर ये येलो पे कभी बदल गए, कभी ग्रीन पे हो गए और कभी इस तरह के खूबसूरत कलर्स को तस्वर करें, और इससे आपकी तख्लीकी सोचे भी बढ़ते हैं, मेडिटेशन भी होते हैं, ज़हनी उलझनों वगैरह से मुंतशर ख्याली से दूर होता है, हाफिज़ा को स्ट्रॉन्ग करते हैं और मुंतशर ख्याली दूर हो जाते हैं और नफसियाती बहुत से उलझने अमराज से दूर हो जाते हैं, सुकून मिलता है, कल्बी सुकून और ज़हनी सुकून। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में मैं कलर थेरेपी भी बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।